जी। काय साला बड़ा? डॉक्टर आंटी देखो ना, वो गलती से मुझसे वो ग्लास गिर गया, मैं रिबन्स ले रहा था, लेकिन देखो अब मेरा पूरे कलर्स मिक्स हो गया, अब मैं क्या करूंगा डॉक्टर आंटी? अरे इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आपके पास और कलर्स है ना, मैं ये आपका कलर पैलेट धो के ले आती हूँ, फिर आप इसमें और फ्रेश कलर्स डाल लेना, ठीक है? मैं बस यूं गई और यूं आई, आप प्लीज परेशान मत हो। हाँ ओके डॉक्टर आंटी। क्या जरूरत थी इस जंगली मुल्की को वीनू के पास इसे कूद फांद मचा कर जाने की? उसके घर वाले मर गए हैं क्या? उसका बाबा भी तो है यहाँ, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरा बैग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये बैग आपका है? ये यहाँ नीचे गिरा हुआ था, तो मैं उठा के देख रही थी। तुम्हें मेरा बैग यहाँ गिरा हुआ मिला? झूठ बोलने की भी हद होती है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपना बैग अंदर रखा था, तुमने अंदर से उठाया ना? मैं वीनू का कलर पैलेट धोने आई थी, वीनू के कलर पैलेट पे पानी गिर गया था, वो बेचारा परेशान हो रहा था, वो धोने आई थी। ये आपके बैग का क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता। ये मुझे दो, ये मेरे बेटे की कलर पैलेट है, मेरे बेटे का कंपटीशन है, और उसकी जो मदद करनी होगी मैं करूंगी, तुम नहीं। बच्चों टाइम्स अप, रुक जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया। तो अब देखते हैं किस बच्चे ने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले हर्ष बेटा, आपने क्या बनाया है दिखाइए। मैंने कपकेक बनाया है, और ये मैंने अपने दादाजी के लिए बनाया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्हें डायबिटीज है, वो मीठा खा तो नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं ना। अरे वाह, वेरी गुड। सभी बेटा आप दिखाइए, आपने क्या बनाया है? अपने घर के लिए नेम प्लेट बनाया है। मैंने इसमें मेरी आई, मेरे बाबा और वीनू दादा का नाम लिखा है। सब सही, विराट और वीनू। वेरी गुड सभी बेटा। मस्त, हाँ मस्त। इस सभी का मन करे तो ये तो विराट को अपने बैग में डालकर घर ले जाएगी। एकदम सही, करेक्ट, बरोबर कहा आपने बहनी। अपनी सभी ने कितना अच्छा नेम प्लेट बना लिया है ना। हाँ, बस एक नाम गलत लिखा है। विराट की जगह उषा का नाम होना चाहिए था। मुझे भी ऐसा ही नेम प्लेट अपने घर के बाहर चाहिए। अब बचा है हमारा एक आखिरी कंटेस्टेंट विनायक। विनायक बेटा, आपने क्या बनाया है? मैम, मैंने श्री कृष्ण भगवान और मैया यशोदा की मूर्ति बनाई है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है बेटा। थैंक यू मैम। लेकिन आपने ये मूर्ति क्यों बनाई? क्योंकि ये मूर्ति मैं अपनी मम्मा को गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरे वाह, लेकिन आप यही मूर्ति क्यों गिफ्ट करना चाहते हो? क्योंकि किसी ने मम्मा को बोला था कि मैं अडॉप्टेड हूँ, तो मम्मा ने भगवान कृष्ण और मैया यशोदा का ही एग्जाम्पल दिया था। मैं मम्मा का कान्हा और वो मेरी यशोदा। ये मूर्ति मेरी मम्मा को याद दिलाती रहेगी कि वो दुनिया की बेस्ट 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 मम्मा है। I love you, Mama. I'm so proud of you. I love you too. मेरे बेटे ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है ना। वाकई में मीनू ने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। लेकिन आज अगर विराट जी ने ना विनू को सच बता दिया होता ना, ये मूर्ति पत्रलेखा के लिए नहीं, तेरे लिए बनती। तुझे ही गिफ्ट देता विनू। ये तो तेरे ही प्यार का नतीजा है कि वो आज खुद अपने पैरों पे खड़ा है और चल फिर सकता है। तुझे याद है कितना प्यार करता है वो तुझे। वो तो तुझे अपनी छोटी आई बुलाना चाहता है, लेकिन विराट जी ने उसे ये भी नहीं करने दिया। सभी बच्चों ने कमाल का कला प्रदर्शन किया है, लेकिन विनर तो एक ही हो सकता है। एंड द विनर इज विनायक चव्हाण। विनायक बेटा, जैसा कि आपने कहा कि आप ये मूर्ति अपनी मम्मी को गिफ्ट करना चाहते हो, तो क्यों ना हम सबके सामने कर दो। मिसेस चव्हाण, आप स्टेज पे आ जाइए। विनायक बेटा, आप भी आ जाओ। मम्मा चलो चलो। सुंदर बनाया। हमारा वीनू हर बात में अव्वल है। लाखों में एक है हमारा पोता। अरे बहनी, आप क्या कर रही हैं? अरे आप फोटो निकालिए, वीडियो निकालिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपका पोता जीता है। अरे राजनीति में ऐसे तो मौकों का फायदा उठाया जाता है। आप क्या ऐसे मुंह बना के खड़ी हैं? अरे खुशी जाहिर कीजिए, खुश होइए। हाँ बहनी, क्या खाक खुशी दिखाओ। अपना खून कुछ करता तो बात भी थी, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं रही। सुनारी, ये सही कैसी औरत है? पहले हमारे खानदान का चिराग बुझा दिया और अब इस घर के गोद लिए बच्चे के पीछे पड़ी है। क्या ये पत्रलेखा से इतनी नफरत करती है कि इसका सब कुछ छीन लेना चाहती है? किस बात का बदला ले रही है ये? मुझे ना आप पे बहुत तरस आ रहा है। मुझ पे तरस आ रहा है? क्या कहना चाह रही है तू? मैं जो कहना चाहती हूँ वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, जब सच आपको पता चलेगा। और जिस दिन आपको सच का पता चलेगा, आप अपने ये कड़वे शब्द वापस लेना चाहेंगी। क्योंकि जब सच आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, तो आपके पास अपना मुंह छुपाने की भी जगह नहीं होगी। और आप खुद मेरे पास आके अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी मांगेंगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सही तो सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रही है, आप कहाँ इसकी बातों को सीरियसली ले रही हैं? छोड़ दीजिए। नहीं सोनाली, ये सही कुछ भी हो सकती है, लेकिन झूठी नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा सच सामने आने वाला है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पत्रलेखा, ये क्यों रख दिया वहां तूने? काकू, ये बीनू की बनाई मूर्ति अब भगवान के पास ही रखी रहेगी। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मूर्ति है, क्योंकि इसे मेरे वीनू ने मेरे लिए बनाया है ना? तो इसे अपने कमरे में रखना, मंदिर में क्यों रख रही है? काकू, रहने दीजिए ना वहिनी, अब भगवान की मूर्ति है तो इसे मंदिर में ही होना चाहिए। पत्रलेखा का मन है तो क्या दिक्कत है? देखो, बेटा हो तो हमारी मीनू जैसा है ना, तो अपनी मम्मी के बारे में कितना सोचता है। तभी तो इतना प्यारा गिफ्ट बनाया अपनी मम्मी के लिए, और देखो कंपटीशन भी जीत गया है ना मीनू। दादू सुप्तो भाईनी, दादा एक सेलिब्रेशन तो बनता है। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। एक बड़े अरसे के बाद घर में खुशखबरी आई है, और मोहित और करिश्मा फिर से एक हो गए हैं। सही बात है, जश्न तो होना ही चाहिए। हाँ, एक बढ़िया सा सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी रखते हैं। क्यों? किसी ने पार्टी के बारे में बात की क्या? अरे यार, घबराने की क्या बात, जब हरीनी है साथ। पार्टी की सारी जिम्मेदारी मेरी। आप सब बैठ के ना आराम से चिल करो, और फिर देखना मैं ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी ना, सबके सब देखते रह जाएंगे। यस, तो चलो। हाँ हाँ, बताओ क्या करें। मोहित मामा, देखो ये मोहित मामा। घंटे पाखी रह गए, कैसे भी करके पाखी को सच पता नहीं होगा, क्योंकि अगर सही ने बता दिया तो बात हाथ से निकल जाएगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पाखी, मैं वीनू को शॉपिंग के लिए लेके जा रही हूँ। आज हमारा बेटा कंपटीशन जीता है ना, तो इसी खुशी में आज वीनू को जो चाहिए ना मम्मा वो दिलाएगी। ओके पाखी, पाखी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज नहीं विराट, आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कर दोगे जिससे मेरा मूड खराब हो जाएगा। इसलिए प्लीज मुझे आज कोई बात करनी ही नहीं है विराट। आज हम सबसे पहले हमारे बेटे की जीत सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद ही कोई और बात करेंगे। बाय। बाकी मेरी बात तो सुन लो विराट प्लीज, तुम्हारी कोई भी जरूरी बात होगी हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ओके अभी मैं निकलती हूँ। चलो बाकी प्लीज मेरी बात सुनो। बाय बाबा। बाकी मेरी हाँ, अरे आप चवानी वास्ते पहुंचा दीजिए ना भैया प्लीज। हाँ मोहित मामा हाँ। मैंने आपसे जो जो कहा था वो आप सब ले आए ना। अरे सब ले आए, पार्टी पॉपर्स बलून सबका अरेंजमेंट हो गया। चलो और वो केटरिंग का क्या हुआ? सब आ गया है, अरे नहीं आता ही होगा। चलो नमस्ते नमस्ते, प्लीज प्लीज आइए। मोहित सुन ना दादा, एक मिनट एक मिनट। मोहित सुन, अरे नहीं कोई सुन क्यों नहीं रहा है यार? आखिर कहाँ रह गई? इतना वक्त क्यों लग रहा है उसे शॉपिंग से लौटने में? वक्त बीता जा रहा है, सब बताना भी है बाकी को, कैसे करूं? डेकोरेशन बाकी है ना, बाहर जाके फटाफट फटाफट करना, जरा वेट नहीं है, अभी बोलने के लिए मत लगाओ ठीक है? चलो जाओ जल्दी। नमस्कार पर्याप्त ना आई आई करना पड़ेगा। हाँ बेटा काय 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 बोल। बाकी ने फोन किया आपको? जरूरी काम है मुझे उससे। नहीं मुझे कोई फोन वो नहीं किया, मुझे कोई ये कहा है क्या? अब तक तुम तैयार क्यों नहीं हुए हो? मेहमान आ गए बेटा, क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो? पहले जाके तैयार हो जाओ जल्दी, मुझे बहुत सारे काम है, आपकी डेकोरेशन भी करना है। आई सुनो ना। हाँ बोल बोल बोल। मुझे जरूरी काम है बाकी से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माला काय विचार, तो फोन करो ना बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? फोन ही तो नहीं उठा रही है वो, इसलिए बार 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 फोन करते रहो, वो उठाएगी। और एक काम करो, कमरे में जाके देखो, शायद वो आ भी गई होगी, मुझे बहुत काम पड़े। गोडू जल्दी जाके तैयार भी हो जाओ। आ चुकी होगी पाखी। पाखी पाखी पा हेलो हेलो पाखी, कहाँ हो तुम? अरे विराट बता के तो गई थी कि वीनू और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं। शॉपिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। तो इतना टाइम कैसे लग गया? बाकी शॉपिंग अगर हो गई है तो प्लीज घर पे आ जाओ। नहीं मैं अभी घर नहीं आ सकती। क्या हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहीं आ जाता हूँ। रिलैक्स विराट, कहीं आने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और सारा काम भी हो गया है। बस एक काम बचा है, मुझे वीनू और मेरा कोलाज बनवाना है। कोलाज? हाँ वीनू ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूं, इसीलिए मैं मेरा और वीनू का कोलाज बनवा रही हूँ। देखो पाखी जो भी है प्लीज घर पे आ जाओ जल्दी, जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। देखो विराट आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और आज मुझे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है। ये बात मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। हम तुम्हारी ये जरूरी बात किसी और दिन भी कर लेंगे। ओके? नहीं 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 पाखी, मुझे जो भी तुमसे बात करनी है वो आज के आज ही करनी है। आज क्या इनफैक्ट अभी के अभी करने में और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तुम यहाँ नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं फोन पे ही बात कर लेता हूँ तुमसे। मेरी पेन ड्राइव पाखी, पेन ड्राइव कहाँ गई? पाखी मैं तुमसे ये सच बताना चाह रहा था कि वो वीनू सही और मेरा बेटा है। वही वीनू जिसे तुमने अपनी कोख में रखा था। कब से यही तो सच बताना चाह रहा था मैं तुमसे। बाकी वो कुछ बोलो। थैंक गॉड मिल गई, मुझे लगा घर पे रह गई थी। हाँ विराट, अरे मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाई, क्या बोल रहे थे? नहीं सुना। अच्छा विराट सुनो ना, हम भी बात बाद में करते हैं, वो स्टूडियो भी आ गया, मुझे जाना होगा। ओके बाय। हेलो नहीं सुना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.